नमस्कार, आर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपको ले आए हैं धनपतगंज के एक ऐसे मंदिर के पास में जो अपने अस्तित्व को खो रहा है। ग्राम सभा सेमरौना के बेनौता में, जो आपको बता दें, लगभग हमें तो लगता है कि ये कुछ नहीं तो ये 700-800 वर्ष पुराना मंदिर है, जिन ईंटों से बनाया गया है, जिन गारों से बनाया गया है, ये कह सकते हैं कि सीमेंट का उपयोग इसमें नहीं हुआ है, ये राबिस से बनाया गया है। हम आपको दिखाएंगे वो किस स्थिति में है। वो जीर्ण शीर्ण बिल्कुल, ये समझ लीजिए, गिरता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मंदिर किसी भी संस्कृति की वो धरोहर है जहाँ ये कह सकते हैं हमारे वेद जिंदा हैं, हमारे पुराण जिंदा हैं, हमारे अस्तित्व जिंदा है, और हिंदू धर्म की नींव जिंदा है, ये कह सकते हैं। हम सीधे मंदिर से आपको जोड़ेंगे, ये मंदिर की शुरुआत है और ऊपर तक दिखाएंगे। पहले मैं बाहर बाहर की चीजें आपको दिखाना चाहूंगा कि मंदिर की स्थिति क्या है, फिर मंदिर में क्या है ये आपको दिखाएंगे। हम कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं ये बनता, आप जो देख रहे हैं ये बहुत पुरानी ईंट है, राबिस का बना हुआ है और धीरे धीरे ये जीर्ण होता जा रहा है, ईंटें गल रही हैं, गल कर गिर रही हैं। अब इसे संरक्षण की जरूरत है। आप देखते होंगे कि जो वर्तमान की सरकार है वो अपनी पुरानी संस्कृतियों को जिंदा करने के लिए बहुत सारे फंड दे रही, बहुत सारा पैसा खर्च करती है, लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरीके से ये गिर रहा है ये बहुत दिनों तक टिकने वाला नहीं है। मेरी भी गुजारिश है कि इस क्षेत्र से जो संभ्रांत व्यक्ति हैं या इस क्षेत्र के जो ये कह सकते हैं कि जनप्रतिनिधि हैं, वो इस पर ध्यान दें, इस मंदिर के अस्तित्व को बचाएं, ये क्योंकि यहाँ से लोगों के बहुत सारे भावनाएं जुड़ी हैं, बहुत सारी पौराणिक विचार जुड़े हैं। हम दिखाएंगे किनारे किनारे पूरी तरह डैमेज है, लेकिन गाँव ने वालों ने कुछ काम किया है, किनारे किनारे इस मंदिर की मिट्टी को रोकने के लिए किनारे किनारे दीवार बनाई है। ये देखेंगे ये पूरी तरह ईंट गल रही है। हम चाहेंगे कि यहाँ की सरकार इस पर चेते और यहाँ के भावी विधायक, जो भी यहाँ का विधायक है, जो भी यहाँ का सांसद है, या कह सकते हैं कि जो भी यहाँ का प्रधान या प्रतिनिधि है, इस पर ध्यान दे और इस मंदिर के अस्तित्व को बचाए। हम अंदर भी जोड़ेंगे कि मंदिर में किन भगवान का ये मंदिर है। हम मंदिर के अंदर हैं, यहाँ भी मंदिर के जो प्लास्टर हैं वो गिर रहे हैं, ईंटें बिल्कुल गल रही हैं, चारों तरफ देखेंगे गुंबद के प्लास्टर गिर चुके हैं। ऊपर दिखाएंगे, कैमरामैन ऊपर दिखाए कि ये देखेंगे कि प्लास्टर के जो गुंबद के जो प्लास्टर है वो नीचे गिर चुके हैं और अब रंगाई तो हो गई लेकिन सीलन जितनी है, इससे लगता है कि मंदिर की दीवारें जर्जर स्थिति में है। हम दिखाएंगे ये मंदिर में शिवलिंग भगवान है, ये मैं प्रणाम करूंगा, ये शिवलिंग भगवान है, इसमें पार्वती जी भी है और गणेश भगवान जी है। ये पूरा आप देखेंगे चारों तरफ छोटे छोटे और मूर्तियां भी रखी गई हैं। ये मंदिर की स्थिति है, तो मैं ये चाहूंगा कि ये मंदिर की स्थिति अगर यथावत बनी रहे तो यहाँ के जो पुरातत्व विभाग है इसको भी देखे और इसकी संरक्षण के लिए काम करे। मैं यहाँ इस मंदिर का इतिहास क्या है, इस मंदिर को किसने बनवाया, कब बनवाया, किस कालखंड का है, ये है कि ये आप क्या जानते हैं इस मंदिर के बारे में, मंदिर कब का बना हुआ आप जानते हैं? नहीं, संत ना जानते, हमारे पुरखातन रहे नहीं, संत बहुत लंबा है, एक यहाँ जंगल था, उस जंगल में बाबा जी निकले थे, तो यहाँ जो है ना वो धनंजय ठकुरे इनका खुदवाई नहीं, खुदवाई के लेके जाए चाहिए हूँ, ये फिर आए नीचे धरो पर रहे नहीं। अच्छा, ये मंदिर पर कोई कब्जा करना चाह रहा था? नहीं, कब्जा ना करते हैं, इनका ले जाते रहे हैं। अच्छा, उखाड़ के यहाँ से शिवलिंग ले जाना चाहते थे, तो ये जो खुदवाए पनिया शोध कर दिए, तो पनिया शोध के एक बार जो पनिया शोध का मतलब क्या है, पानी एकदम निकल गया। अच्छा, यहाँ से जहाँ से खुदाई हो रही थी वहाँ से पानी निकलना शुरू हो गया, मुहूर्त से था नहीं मिला तो। अच्छा, इसकी कितनी गहराई तक ये शिवलिंग है, इसकी कोई था नहीं मिली? तो हाथी आई थी दो थो, दोनों हाथी में जजीरा बना था, वो जजीरा बांध के घंटा जाए लाग है, तो जब घंटा जाए लागे नीचे दाबी थी, जब नीचे दाबी नहीं तो हाथी जजीरा छोड़ दी, तब सपना दिखाए नहीं तो यहाँ फिर मंदिर बना था। फिलहाल आपको बता दें कि भारतीय संस्कृति तमाम ऐसी चीज़ों को मानती है। लोग बताते हैं कि ये मंदिर कोई शिवलिंग को कोई उखाड़ के ले जाना चाहता था, लेकिन ये ले नहीं जा पाया। इस मंदिर का ये इतिहास, यहाँ की किंवदंती है, क्या कहेंगे इस मंदिर को, जो जीर्ण अवस्था में भी देख रहे हैं, चारों ओर गिरने की स्थिति में है मंदिर का, जो ईंटें गल रही हैं, जो उसके अंदर के राविश हैं वो भी निकल रहे हैं, क्या चाहते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों? बन जाए, बन जाए। कभी इस पर गुहार लगाई आपने? गुहार तो बहुत दान लगाओ, जैसे आओ सब जाता है, आओ दान नेता लोग आओ, हर चीज है सब, उनमें चबूतरा बनाओ सब कुछ,
ना जो कहीं तो कागज जबरदस्ती कराओ। ये मंदिर कितना पुराना है आप ये बता सकते हैं कि मंदिर का इतिहास क्या है? अब ऐसा है कि इतिहास इसका यही होगा कि हमारे बुजुर्गों जो बुजुर्गों ने बताया है वो भी नहीं जानते थे कि इतना पुराना है, लेकिन अब कम से कम कुछ नहीं तो 600-700 वर्ष का तो हो ही गया होगा, तभी तो 300-400 वर्ष मैंने आदमी जान ही पड़ेगा ना। 700 वर्ष पुराना आप मानते हैं? फिलहाल ये माना जा रहा है कि 700 वर्ष पुराना मंदिर है, लेकिन कितना पुराना है ये पुरातत्व विभाग ही बताएगा कि कितना पुराना है। हम यहाँ के और वरिष्ठ लोगों से बात करेंगे। मंदिर परिसर में अभी आपको ले गए थे, आपने देखा भी कि स्थिति क्या है मंदिर की, कि बाबा जी मिल गए हैं इस गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, तो ये कह सकते हैं कि हम उम्र इनकी पूछेंगे, कितनी उम्र होगी बाबा जी? 96 वर्ष के हैं। ये कहिए कि आप दशक लगाने पार करने वाले हैं, तो इस मंदिर के बारे में हम जानना चाहेंगे। आपकी ग्राम सभा में एक ऐसा मंदिर है जो बिल्कुल जीर्ण हो रहा है, उसे संरक्षण की जरूरत है। हम ये जानेंगे कि कितना पुराना मंदिर है और इस मंदिर का इतिहास क्या है? पुराने तो पूरा हम बता ही ना पाऊंगे, काफी टाइम जब से हम सब कहा थे हम बताओ, तो सब जो सुने ना ये हमारे से ढेर पहले बना है, ये मंदिर पहले बनवा रहे ठाकुर धनजय ठाकुर भगवान जी, वो बनवाए जैसे दो दिन खोदी नहीं था शंकर जी, ये नीचे चला जाए तो जो लोग जहाँ फिर ऊपर उठते देख पड़े तो करीब बार बेका जो ना है उनका सपना भारत जो ना है भारत वही है भगवान मंदिर, तो लेकर उनके यहाँ की बहुत दिन पर ना आया हूँ। इसके बारे में किसी को नहीं पता कि ये मंदिर की स्थापना या ये शिवलिंग की स्थापना कब हुई? ये का ना क्यों ना बताते कब हुई, हम तो जो हम अपनी टाइम बता रहे हैं कि उस टाइम से ये मंडूक बिल्कुल बनी हुई थी, तब बिल्कुल तैयार थी, तो ये कम से कम उससे बहुत पहले बनवाए थे वो, क्योंकि उनके लड़के बनभाम रहते हैं। ये मंदिर का इतिहास क्या है? फिलहाल आप लगभग 100 वर्ष पूरे होने वाले दादाजी बैठे हैं, इनसे भी इसका पूरा इतिहास पता नहीं चल पा रहा। हम अगली वीडियो में इसके मंदिर का पूरा इतिहास ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये किसने बनवाया, किसके द्वारा स्थापित किया गया, और ये मंदिर की स्थिति जो है उस पर काम क्या किया जा सकता है। आर इंडिया न्यूज़ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।